बाबर आजम से बच्चे ने मांगी जर्सी, उतारी तो अंदर निकली स्पोर्ट्स ब्रा, हो रहे हैं ट्रोल। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में श्रीलंका को 4 विकेट से हराने के बाद दूसरे टेस्ट भी पारी और 222 रन से जीत कर इतिहास रचा था। ये पाकिस्तान की टेस्ट में सबसे बड़ी जीत भी है। इस टेस्ट के खत्म होने के बाद जब बाबर ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट रहे थे तो उन्होंने एक बच्चे को अपनी जर्सी गिफ्ट कर दी, लेकिन जर्सी उतारने के बाद अंदर उन्होंने जो पहना था उसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस ही छिड़ गई है। बाबर के खिलाफ काफी मीम्स बने, उन्हें ट्रोल भी किया गया। आखिर बाबर ने कैसी वेस्ट पहनी थी, उसका क्या फायदा होता है, आइए जानते हैं। बाबर आजम ने जैसे ही अपनी जर्सी उतारी तो नीचे उन्होंने एक वेस्ट या बनियान पहनी हुई थी जो काफी हद तक स्पोर्ट्स ब्रा जैसी थी। बस फिर क्या, इसे लेकर ट्विटर पर बहस शुरू हो गई। फैंस भी इस सोच में पड़ गए कि बाबर ने ये क्या और क्यों ये खास वेस्ट पहन रखी है। फुटबॉल में तो इस तरह की वेस्ट का चलन आम है, लेकिन कम ही क्रिकेटर ऐसी वेस्ट पहनते हैं। वैसे इस वेस्ट के फायदे गजब के हैं, इससे खिलाड़ियों की कुंडली बनी रहती है। इसे कंप्रेशन वेस्ट कहा जाता है जो दिखती स्पोर्ट्स ब्रा जैसी है, लेकिन इसकी खूबियां काफ़ी अलग होती हैं। इसमें एक डिवाइस होती है जो पीछे के हिस्से में लगी रहती है, यह काफ़ी हल्की होती है। इस डिवाइस में एक GPS परफॉर्मेंस ट्रैकर होता है जो मैच या ट्रेनिंग के दौरान ये रिकॉर्ड करता है कि खिलाड़ी कितना दौड़ा है, उसका हार्ट रेट कितना रहा है, दौड़ने के दौरान कितनी रफ्तार रही, कितनी दूर तय हुई, इसका रिकॉर्ड भी इसमें दर्ज हो जाता है। सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, फुटबॉल में भी खिलाड़ी इस तरह की वेस्ट पहनते हैं। इससे रियल टाइम में खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन सुधारने में मदद मिलती है और ये भी पता रहता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है और कब आराम की ज़रूरत है। इससे मिलने वाली जानकारी का डेटाबेस तैयार होता है जिसे कंडीशनिंग कोच और एनालिस्ट देखते हैं और फिर खिलाड़ी का आगे का फिटनेस और ट्रेनिंग रूटीन तैयार करते हैं। भारतीय खिलाड़ी भी इसका इस्तेमाल करते हैं।